लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी थ्योरी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद इंडियन लिटरेचर, उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड प्रोसोडी। देखो वैसे तो और भी इसके अलावा देखे वर्ल्ड लिटरेचर है ना, और बर्क्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हमें मेन एक वन इस पर मैं रेड कर देता हूँ, सेकंड इस पर, थर्ड इस पर और फोर्थ इस पर, इस पर मेन फोकस करना है चार चीजों पे। ब्रिटिश इंग्लिश, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, इंडियन लिटरेचर, ये चार चीजों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक मिनट फटाके जाता है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सर ये लिंग्विस्टिक्स एंड प्रोसोडी सर ये क्या होता है? हाँ ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये होता है जैसे आपने वो पढ़े होंगे आपके फिगर ऑफ स्पीच वगैरह पढ़े हैं ना। जी सर सिमिली पढ़ा होगा। जी सर अच्छा फिगर ऑफ स्पीच इसी में आता है। हाँ फिगर ऑफ स्पीच इसी में आता है। वन लाइन को क्या बोलते हैं, टू लाइन की कोई पोयम है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमीटर ऐसे सुना होगा आपने, डायमीटर। ये वाले क्वेश्चन आते हैं सर, ये वाले क्वेश्चन आते हैं सर, इनका वेटेज सर कितना रहता है? इनका कम रहता है ये, मैं मतलब दो या तीन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। हाँ क्योंकि टेट के समय इनको तैयार किया था ना, थोड़ा बहुत दिमाग में, इसलिए मैंने पूछा। इनके कम आते हैं। बाकी ये मैंने चार जो रेड किए हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश इंग्लिश, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी और इंडियन लिटरेचर, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि ये कितने एरा में बटा है, एरा बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, इसको अपन एक हेडिंग डालते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। अच्छा सबसे पहले कौन सा एरा शुरू होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, आप लोग बताएं जरा कौन सा होता है बताओ। एंग्लो सैक्सन होता है ना, एंग्लो सैक्सन। जी सर। अच्छा ये कब से कब तक रहता है? ये 410 से 1066 तक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, सेकंड कौन सा एरा है, थोड़ा ध्यान करो, 1066 से एंग्लो नॉर्मन सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे वाह, एंग्लो नॉर्मन ये कब से कब तक चलता है? शायद से सर 1066 से 1035 तक है या सर ऐसी कुछ है, इतने तक है ना, ऐसे तो होता है। उसके बाद फिर कौन सा एज शुरू होता है बताओ,
किसका जन्म होता है ये 1340 में? आपको ध्यान है एज ऑफ 64। वेरी गुड, एज ऑफ 64। वेरी नाइस, एज ऑफ 64। ये कब से कब तक चलता है? देखो ये 1340 इसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब विरोधाभास है। कई लोग बोलते हैं कि इनका 64 का जन्म 40 में हो गया था, कई लोग बोलते हैं 43 में हुआ था। इसीलिए देखो एंग्लो नॉर्मन को 50 तक ले गए, लेकिन यहाँ पे एज ऑफ 64 को 1340 से ही माना जाता है ना। और इनकी डेथ कब हुई थी 64 जी की, बताइए? तो सर ये जब बर्थ होता है तब से मानते हैं एज को? हाँ, जो मतलब नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एज तो क्या है उसके बर्थ के आसपास घूमती है, जो मेन राइटर होता है वहाँ के आसपास। ऐसा नहीं है लेकिन कि मतलब बर्थ होता है तो ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? उसके बाद बताइए कौन सा एरा आएगा, एज ऑफ रिवाइवल। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा, आप लोग तो ऑलरेडी गजब हो। ये कब से कब तक मानते हैं अपन लगभग? इसमें बहुत कुछ चलता रहा है ना। तो इसके देखो अभी अपन लोग इनके अंदर की भी बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से हैं, है ना, एडवर्डियन एरा है, ये सब अंदर कौन कौन से हैं, ये अपन को थोड़ा डिस्कस करना है। पहले तो अपन सारी एज डिस्कस कर लेते हैं मेन मेन, उसके अंदर फिर जैकोबियन एरा कौन सा है ना, कैरोलिन एरा कौन सा है, क्योंकि अब आपको सबको पता होगा कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जब तक हमें एक पर्टिकुलर पता नहीं होगा ना एक दिमाग से कि इस तरह से होता है, तो फिर अपन उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अच्छा आप कौन सी एज मानेंगे बताओ, एज ऑफ रिवाइवल के बाद एज ऑफ एलिजाबेथ? सुना एलिजाबेथ तो एलिजाबेथ बोल दो, है ना, एलिजाबेथन एरा बोल दो या एज ऑफ एलिजाबेथ बोल दो, राइट? एक मिनट, थोड़ा सा रोकूंगा मैं, नीचे से आवाज आ रही है, मेरे को कोई बुला रहा है, एक मिनट रोकूंगा, है ना, वन मिनट में आ रहा हूं मैं। ओके ओके सर। हाँ जी, सॉरी सब, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ओके, तो अपन लोग एज ऑफ एलिजाबेथ पे थे, ये कब से कब तक मानी जाती है? पंद्रह सौ पचास से लेके
1620 तक मानी जाती है। हालांकि इनकी डेथ 1603 में ही हो गई थी, आपको पता होगा सब लोगों को, एलिजाबेथ जी की डेथ जो है वो 1603 में ही हो गई थी। उसके बाद फिर जो एरा माना जाता है 20 तक, वो आपका जैकोबियन एरा माना जाता है ना, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। मेन मेन एरा, फिर उसके बाद एरा के अंदर एरा, है ना। तो उससे क्या होगी, हमारी क्रोनोलॉजी जो है वो स्ट्रांग बनेगी। चलिए ओके। अच्छा अब कौन सा एरा आएगा, थोड़ा सा मदद करो मेरी, कौन सा आएगा? रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन तो 1660 से है, कौन सा आएगा बताओ? प्यूरिटन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, प्यूरिटन पीरियड है ना। इसको कौन से राइटर ने संभाला था, मेन राइटर इसमें कौन था, ध्यान है क्या? ड्राइडन। नहीं ड्राइडन तो रेस्टोरेशन के थे, सैमुअल इसके मिल्टन थे, मिल्टन ने संभाला था इस एज को पूरा है ना। अच्छा आप कौन सा एज आएगा इसके बाद? रेस्टोरेशन। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये आएगा। ये कब से कब तक चला था? 1660 से लेके कब तक? 1700 तक, है ना। 1700। अब क्या आएगा इसके बाद बताओ? 18th सेंचुरी लिटरेचर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इसके और भी नाम है 18th सेंचुरी लिटरेचर के, बताओ एक एक से नाम बताओ। हाँ नहीं है ध्यान आप लोगों को, इसको एनलाइटनमेंट भी बोला जाता है, एनलाइटन एज है ना, न्यू क्लासिकल एज भी बोला जाता है, और आपका एज ऑफ पोप भी बोला जाता है, तीन चार नाम है इसके। तो ये पूरी 18 सेंचुरी को कवर करता है ये वाला, और बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आ गया आपका 18 सेंचुरी। फिर 1800 से लेके 1850 तक कौन सा आएगा बताओ, ध्यान करो बहुत इम्पोर्टेंट एरा है, एज ऑफ रोमांटिसिज्म है ना। ये कब से कब तक चला था, 1800 से लेके कब तक माना जाएगा? 1850 तक। 1850 तक ही क्यों माना जाता है बताओ? वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, और 1850 में इनकी वाइफ कौन थी, इनकी वाइफ मैरी हिचिनसन, सुना है नाम? जी सर आपसे सुना है, आपकी वीडियो में सुना है। अच्छा मेरी वीडियो सुना है, चलो कोई बात नहीं। तो मैरी हिचिनसन इनकी डेथ हो गई थी, तो इन मैरी हिचिनसन जिनकी वाइफ थी, तो उन्होंने एक प्रिल्यूड नाम का वर्क पब्लिश करवाया था, ये लिखते थे वो उसको, प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड सुना होगा आपने, है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कौन सा एज आएगा? विक्टोरियन। हाँ विक्टोरियन, विक्टोरियन एरा। ये कब से कब तक रहेगा? ये भी 50 साल का है। हाँ ये भी 50 साल का है, ये 1900 तक रहेगा, है ना। इसमें विक्टोरियन महारानी का क्या नाम था उसको, विक्टोरिया का नाम, विक्टोरिया ही तो था है ना, क्वीन विक्टोरिया, सुना है ना जी सर। अच्छा सर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है क्या कभी जी, इसका कब, ये एज का, और अगर आपको क्रोनोलॉजी अच्छी करनी है तो ये इस तरह से आपको अपने दिमाग में हिस्ट्री रखनी पड़ेगी। हिस्ट्री अगर आप रख लोगे ना कि ऐसा ये हुआ था ऐसा ये हुआ था, तो आपको मतलब बहुत
अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, ये ऐसा ये हुआ था उस टाइम हुआ था, है ना। तो इस तरह से पढ़ना तो सबसे बेस्ट है। एक होता है बुकेस, आपने देखा होगा रट्टा मार रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद फिर भूल गए, सही है कि नहीं। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता सर। है हिस्ट्री से रिलेटेड करने में। हिस्ट्री से रिलेटेड करोगे चीजें समझ में आएंगी, आपको समझ में आएगा हकीकत में, मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से समझ में आएगा कि वहां ऐसा चल रहा होगा, कि क्यों विक्टोरिया आई थी, है ना, कब आई थी, 1837 में आई थी। जब अपन पढ़ेंगे अंदर, जब एज पढ़ेंगे, तो फिर कब डेथ की डेथ हो गई, 1901 में इसकी डेथ हो गई, फिर क्या हुआ, फिर क्यों ऐसा चेंज हुआ, तो फिर ज्यादा पढ़ने में आनंद आता है, आई थिंक सो। और आप लोगों को जैसे भी अच्छा लगता हो, मेरी जो नजर में है वो ऐसा है। हाँ सर, तरीका तो यही सही है जैसे सर आप बता रहे हो ना, हाँ, एक स्टोरी वे में अपन इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा समय तक याद रहे। और क्या, ज्यादा समय तक, एक बार में ही आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, तो फिर आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी, आपने मेरे को सुनाई तो याद रहेगी, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन हुआ ना, राइट। बिल्कुल बिल्कुल और देखो हर कोई एक दूसरे से सीखता है ना, मैं ज्यादा आपसे जानता हूँ ना आप मुझसे ज्यादा जानते हो, एक दूसरे से हम लोग सीख रहे हैं बस, ओनली इस बात को हमेशा ध्यान रखना, है ना। ओके, अब कौन सा एरा शुरू होगा बताओ? मॉडर्न। मॉडर्न एज है ना, इसको अपन मॉडर्निज्म भी बोल सकते हैं, मॉडर्निज्म ये भी नाम बोलता है, एज ऑफ मॉडर्न, ऐसे मॉडर्न एज भी बोल सकते हो। इसमें तो पूरी सोच ही बदल गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार को पूरा डेडिकेट हो गया ये, है ना। और जब से फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तब तक इसको माना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था बताओ? 1914 में। और सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता ही होगा कि 1939 में स्टार्ट हुआ, राइट। तो वो कौन थर्टी सा? एट में सर, जी बिना 38 में हुआ था सर। 38 में, हाँ 38 में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से माना फर्स्ट जाता है, 34 में जी, और सेकंड 38, फर्स्ट 34 में और सेकंड 38 में हुआ। नहीं नहीं थोड़ा सा आप शायद गलत हो, थोड़ा चेक सर, नाइनटीन फोर्टीन फर्स्ट वाले में आप गलत है ना, 14 में है ना सर, 1914 में सर फर्स्ट वाला। हाँ 14 में, आप 34 बोल रहे हो ना, 1914 में फर्स्ट हुआ था, जी। है ना। अच्छा, पोस्ट मॉडर्न कब से कब तक माना जाता है? प्रेजेंट में जो चल रहा है, हाँ 1939 1939 से प्रेजेंट तक, पोस्ट मॉडर्निज्म, है ना। सर एक क्वेश्चन, वैसे ये अपने से रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी आपने सर डिस्कस किया तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सर। इंडिया ने कब पार्ट, इंडिया इसका कब पार्ट हुआ था वर्ल्ड वार का? सेकंड वाले में हुआ था सर, फर्स्ट वाले में नहीं हुआ था। इंडिया, मतलब के इंडिया उस ने समय, क्या इंडिया ने, मतलब इंडिया के जो लोग थे सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसके पार्ट बने थे वो, मतलब उसमें गए थे वो, मतलब वहां पे भेजा गया था। फर्स्ट वाले में तो सर ऐसा कोई था ही नहीं ना सीन सर ऐसा। नहीं फर्स्ट वाले में अपन तो इंग्लिश की तरफ से लड़े थे ना, इंग्लैंड के सिपाही थे इंडिया के लोग फर्स्ट। तो फिर सर दोनों में गए सर, फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी। और क्या, फर्स्ट वाले में अपन लोग गुलाम थे, इंडिया जो इंग्लैंड बोल रही थी वहां जा रहे थे, है ना, मजदूरों के टाइप के, जैसे मजदूर ले जाते ना बराबर के, जी जी सर। ऐसे ऐसे ले जा रहे थे हमारे। मैं ग्वालियर से हूँ, तो ग्वालियर में आप कभी जयविलास पैलेस घूमना, तो जयविलास के पैलेस में जो भी हमारे यहाँ से गए हैं सैनिक, उनके नाम भी लिखे हैं वहां पे कि ये गए गए थे ग्वालियर। हाँ वो एक मॉन्यूमेंट टाइप का कुछ ऐसा लिखा हुआ है उस पे सब कुछ। हाँ उसमें लिखा हुआ कि ये गए थे यहाँ से, गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, गए थे सेकंड वर्ल्ड वार में, गए थे। तो पहले तो ऐसे मतलब पूरी तरह से अपन इंग्लिश लोगों के वो अपने मालिक थे, अपन लोग काम करते रहते थे उनके उस पे, है ना। बड़ी स्थिति गंभीर थी, गुलाम थे पूरी तरह से, जहां वो भेज रहे हैं वहां जाना था हमें। चलिए ओके, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों की, ये बताइए पूरी ब्रिटिश इंग्लिश की। जी सर। अब देखो इसमें भी मैं आपको बता दूं, हालांकि पढ़े तो सारी चीजें कोई चीज, लेकिन अब देखो समय के हिसाब से अपन को ये तो इस, एक आपने सुना होगा हार्ड वर्क, एक सुना होगा स्मार्ट वर्क, है ना।
तो अब तो जो समय है 15 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है, अब तो स्मार्ट वर्क की वो है जरूरत है ना। तो स्मार्ट वर्क नंबर वन, देखो मैं कोई ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन लोग पिछले जो एग्जाम हुए हैं एमपी सेट के, उनको अगर उठा के देखें तो उनको उठा के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से सबसे, आपने किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उसके PYQ लगाओ, है ना। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग बाग? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे हम को समझ में आएगा कि ये जो पेपर बनाने वाली बॉडी है इसकी सोच कहाँ जाती है, किस ओर से ये क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि हर बार वो इसी एक ही ट्रेंड पे रहते हैं, है ना। और एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है जो नेट सेट निकाल ले वो वर्ग एक का भी एग्जाम निकाल ले, और जरूरी नहीं है जो वर्ग एक निकाल ले वो नेट सेट भी निकाल दे। कई बार मैंने देखा है जिसने राइट सर मेरे दो दोस्त ऐसे हैं जिनका JRF निकला हुआ है पर उनसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं निकला सर। वही JRF क्लियर है उनका, नेट भी नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है 50,000 रुपए महीने की, पर उनसे एक हिंदी से है और एक इतिहास से था, दो लोगों से देख लिया किसी किसी। एक सर अनुभव है, एक एक्सपीरियंस सर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जब MPTET ये जो 2023 वाला जब हुआ, इसको हम 23 कह रहे हैं, मतलब 22-23 वाले जब हुआ, तो इसमें भी सर ये मतलब ब्रिटिश इंग्लिश का पूरा पार्ट था उसमें, मतलब सिलेबस में। साथ में अभी सर आपने बताया फिगर ऑफ स्पीच, वो भी इसमें था। तो सर आप विश्वास नहीं मानोगे, इस पूरे में सर मतलब कि जितना हो सका अपने से, क्योंकि कोई अलग से कोई कोर्स तो परचेज किया नहीं था सर, तो सर जितना हो सका इसमें पूरा दिमाग लगाया। और बाकी जो मैं सर कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में जितना भी मेरा पुराना जो अनुभव था उसके आधार पे सर जो अपना इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल जितना पोर्शन था वो तैयार था अपना पहले से, मतलब ठीक ठाक है उसमें सर अपना, मतलब जितना भी है। तो सर इसमें पूरा समय दिया और इसमें से जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन था ना सर, वहाँ पे 15-20% था, बाकी 80% पूरा वो था। अगर ऐसा पहले पता होता तो सर आज मीटिंग ना होगी सर, वहाँ पे मेरिट में होती सर। तभी तो PYQ देखना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो जो हो गया उस पर अपन को पछतावा नहीं करना चाहिए। कितने नंबर आए भैया फिर? सर पछतावा तो बिल्कुल नहीं है सर, बस यही है कि अब उसका फायदा यहाँ पे लेने की प्रयास में है सर, और आपका सहयोग मिलेगा तो सर बिल्कुल सर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो होगा। अरे नहीं नहीं भैया, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं। अपन लोग एक मेरे सर 77 थे ना। हाँ सर पूछ रहे थे अभी कुछ, मेरे 77 मार्क्स आए थे। हाँ जरा सा ही रहेगा, फिर ज्यादा नहीं अंतर, दो पांच नंबर का ही अंतर रह गया है ना, जो भी है। जी जी जी, चलो कोई बात नहीं। और अभी एक बात आप और कह रहे थे कि थोड़े से लेट जागे, ऐसे आप ही कह रहे थे सर अनिल, है ना। हाँ सर बस यही है, लेट जागे मतलब कि हमने बहुत लेट ये डिसीजन बनाया ना सर, अगर इससे पहले हमें इस फील्ड में होते तो शायद कुछ और अच्छा हो सकता था। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप बिल्कुल लेट मत नहीं जागे, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। आप विश्वास कीजिए कि आज से किसी से भी पूछ लीजिए जो भी उस समय का था, आज से 10 साल पहले अगर आप तैयारी भी करते तो वैकेंसी नहीं आ रही थी। क्या तैयारी करते आप सर? 1998 के बाद 20 साल बाद वैकेंसी आई थी, 2017 में जो आई थी। तो वैकेंसी नहीं आ रही थी तो क्या तैयारी करते, तो कोई मतलब ही नहीं है पछताने का। अब ये तो भाग गए कि कब वैकेंसी निकल रही है, है ना। तो सर ये तो हमारा फिर सौभाग्य ही कहेंगे इसको हम। हाँ ये तो हमारा, इसीलिए जो प्रेजेंट में है उसी को स्वीकार करो, और अभी तक भी अपनी जिंदगी अच्छी गई है, कौन सी खराब गई है ना। जी सर मैं सर पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, इसमें बेटिंग आया उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सर एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊँ, मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला था ये पूरा लिटरेचर कवर करने के लिए, मैंने पूरा इसी में लगा दिया। चलो चलो अब और अच्छे से करना है इस बार, अब तो अपने को 15-20 दिन है, अभी तो अभी लग जाओ, अभी अब पुरानी बात तो छोड़ो, है ना। जी सर चलो चलो ओके। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों की नहीं? Yes. अच्छा तो अब इसमें से मैं ये बता रहा था कि हमें ज्यादा क्या पढ़ना, पढ़ना तो सब है लेकिन ज्यादा क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो ये भाई साहब 64 बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा, है ना। एक ये एलिजाबेथ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी
ये दोनों पकड़ लो, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। पढ़ना सब कुछ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्ट क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विक्टोरियन एरा भी पढ़ लेना, और ये चीज़ें आपको पढ़नी पढ़नी है। मॉडर्निज्म के दो तीन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये तो आपको पढ़नी पढ़नी है ना। बाकी अपन लोग पढ़ेंगे सब, बट इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि PYQ से समझ में आ रहा है ना। और इंडियन इंग्लिश पे भी हमें ज़्यादा फोकस करना है। पिछली बार इंडियन इंग्लिश के धड़ाम से बढ़े थे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे। इस बार मेरे को लग रहा है और बढ़ेंगे, है ना सर। इनका मतलब इंडिविजुअल अलग से अगर सर PDF सर अवेलेबल आपके नोट्स में से कुछ हो जाए तो देखता हूँ, करता हूँ, मैं प्रयास करूँगा पूरा। सर हम चाहेंगे सर हम चाहेंगे कि आपके नोट का हमें लाभ मिले सर। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा, है ना। चलो ओके, देखें आप जरा। अब अपन लोग बताओ, अभी किसी एक एरा पर डिस्कशन कर लेते हैं। बताओ कौन से एरा पर डिस्कशन करें, या स्टार्टिंग से शुरू कर दें, एंग्लो सेक्शन से, कहानी की तरह बताऊं मैं आप लोगों को। हाँ स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं सर, 12 दिन में 12 कर लेंगे पूरे। लेकिन फिर उसके बाद अपन को वो भी पढ़ना है, हालांकि अपन ज्यादा टाइम देंगे। आप लोग अगर तैयार रहो तो हम तो ज्यादा टाइम देने को, मेरे पास देखो समय है, मैं आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा। अब समय का थोड़ा सा नहीं रहता है तो इसीलिए दिक्कत आ जाती है। मैं अब भी अपन लोग इंटरव्यू की क्लास भी चला रहे हैं ना, ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू आने वाले हैं जी। तो MWF में उनकी क्लास रहती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और उसके अलावा जो मेरे को टाइम मिलेगा तो वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा पूरा। सर एक सर इन्फॉर्मेशन और चाहिए थी सर आपसे, कि एक पूरा मतलब स्केड्यूल जो इसका मतलब पूरा, अपन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात कर रहे हैं सर, पूरा इसका स्केड्यूल सर प्री से लेके सर इसका मेन और ये सारी चीजें सर एक बार आप थोड़ा मतलब शॉर्ट समय में अगर डिस्कस कर लेते सर तो ज्यादा थोड़ा मतलब एनर्जी मिलती है अंदर से, मतलब ये करना है अब इसके लिए ऐसा तैयार होना है ये। देखो अगर आप लोग सबसे पहले तो आप फोकस रखिए MPSET 15 तारीख का, है ना। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जहाँ तक सोर्सेस जो बता रहे हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च 2025 के पहले ही पहले नोटिफिकेशन आना ही आना है। दिसंबर एंड में आ सकता है या फिर जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आ सकता है नया नोटिफिकेशन, नए कैलेंडर में आएगा सर समथिंग। हाँ 100% मार्च के बाद जो नया कैलेंडर आएगा मार्च के बाद समथिंग। हाँ 2025 में आने आना है नोटिफिकेशन, कोई रोक ही नहीं रहा। उसके अलावा आप लोग दूसरी चीजों के लिए अभी आप MPSET नहीं निकला है तो दूसरी चीजों के लिए वो नहीं हो, जैसे गेस्ट फैकल्टी वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना जी। तो MPSET निकल जाएगा तो कम से कम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और नेट निकालने की पूरी कोशिश करें, नेट भर देना, और नेट निकल गया तो दूसरी जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आएंगे। और MP में तो आना ही आना है, MP में तो हो ही नहीं सकता कि ना आए, क्योंकि 2022 में इन्होंने जो निकाली हैं वो दो फेज में निकालने के लिए बोला है। लेट कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ लेट कर सकते हैं, लेकिन देंगे तो पक्का है ना। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट सर इसमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसमें नॉलेज बिल्कुल जीरो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कब वैकेंसी आती है क्या, इसमें सर पहले कभी दिमाग लगाया ही नहीं। मैं आपसे सर ये पूछ रहा था, आपने अपने वीडियोस में बोला था कि एक इंग्लिश लेक्चरर के लिए सर 200 जगह आती है सर MP में, आई थी अभी ये निकल गई ये 200, मतलब वो भी पूरी भर नहीं पाई, भर ही नहीं, नहीं अभी इंटरव्यू बाकी है उसका, खाली रह जाती है। नहीं ये तो इंटरव्यू बाकी है, 2017 में भी नहीं भर पाई थी, खाली रह गई थी सर। एक्चुअली में वो जो खाली जाती है ना अभी फिलहाल में ST की ही पोस्ट है, वो ओबीसी और जनरल में कोई खाली नहीं गई है। ST की पोस्ट है जो खाली गई है, बाकी ओबीसी जनरल की, क्योंकि जो नीचे जो 17% का जो डबल वाली लिस्ट बनी है ओबीसी जनरल की, वो ओबीसी केस के कारण, तो उसमें उतने लोग आए हुए हैं जितने की होना चाहिए, मतलब ओबीसी और जनरल के तो पूरे है उसमें 3 गुना में,
एसटी के लोग कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एसटी की बात कर रहा था उस वीडियो में कि जो खाली रह गई वो एसटी की रह जाती है ना खाली, जैसे अभी 97 थी आईएसटी की, इसमें जो जो है ना ये 100% खाली रहेंगे देखना आप आगे भी। नहीं पर इतनी भी खाली नहीं आएगी सर, क्योंकि तीन गुना में नहीं आई है ना, पक्की सिंगल तो आई गई होगी वो 97 तो आई गए होंगे, और फिर जितने आए होंगे उनको ही दे देंगे पोस्ट, मतलब तीन गुना आपके लिए है इंटरव्यू के लिए, उसमें नहीं आए। अब अगर एक ही गुना आए तो फिर पोस्ट तो उनको देनी ही पड़ेगी ना, पोस्ट तो आ जाएगी वो लगभग, मतलब कम्प्लीट हो जाएगी। गुना इनको मिल गए क्या एसटी के? तीन गुना नहीं मिले हैं, पर तीन गुना इसलिए बुलाए हैं ताकि एक गुना सिलेक्ट, हाँ हाँ उसमें से 97 भर लेंगे, बाकी दो गुना बाहर हो जाएंगे। अब अगर इनको 97 भी मिले हैं तो इनको तो वो 97 को पोस्ट ऑल आउट करनी पड़ेगी ना। समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही, मतलब हो जाएगी समथिंग, ज्यादा इतनी भी नहीं खाली जाएगी भी तो 5-10 ही आएगी। पिछली बार इंटरव्यू नहीं था इसीलिए खाली चली गई थी? नहीं पिछली बार क्या 5 ही नहीं हुए थे, हाँ इंटरव्यू था नहीं और जो जितने जो क्राइटेरिया है उतने में ही नहीं आ पाए थे इसलिए खाली चली गई। अच्छा, अभी इतने पास हो गए है अभी इस बार। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा मौका मिलने वाला है ये तो पक्का है ना। और पिछली बार और अभी के में ये है कि इसमें क्या है सर, वो पिछली बार इंटरव्यू डाला था पर फिर हटा दिया था उसको 50 नंबर का। एक्चुअली में क्या इसमें बहुत पैसे चलते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है ये, कलेक्टर लेवल की ग्रेड पे है इसकी। मेरे सामने के भैया है तुषार भैया जो बने हैं इंग्लिश से प्रोफेसर, खरगोन में पोस्टिंग है जिनकी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है आगे तो आने वाली है तो पक्का ही है ना गैजेट, वो तो आना तो है, उन्होंने नहीं बोला सर मेरे को कि अभी वैकेंसी आएगी आएगी बोले, मतलब ये भी आएगी, हाँ अभी जो आएगी ना वो, और उसके बाद भी एक बार और आएगी, उसके बाद भी आ सकती है क्योंकि आएगी। हाँ वो बोल रहे थे तुषार भैया ये बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, नहीं देखो दो फेज तो इनको करवाने ही पड़ेंगे पक्का है ना, उसके बाद फिर तीसरी फेज भी आएगी, चुनाव आएंगे ना तब तक फिर तीसरी फेज आएगी। तीसरी भी आएगी, हाँ हाँ, चुनाव से पहले देना पड़ेगा इनको। हाँ हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि इसमें जैसे जब निकलती है एग्जाम समथिंग उसके 1.5-2 साल बाद ही एग्जाम हो पाती है, और कोई ना कोई जाके स्टे लगाता है, ये कोर्ट में स्टे वो कोर्ट में स्टे ऐसा चलते रहता है। सही है सही, ये अभी ये वाली भी तो कब से आई हुई है, अभी एग्जाम हो रही 22 से आई हुई है 24 तक, बिल्कुल 24 भी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा चलिए ओके, अब डिस्कस करें जरा। जी चलो देखते हैं, आज अपन एंग्लो सैक्सन डिस्कस कर लेते हैं ओनली, ठीक है, एंग्लो सैक्सन। आप सबको पता होगा कि ब्रिटेन में पहले जो जाति रहती थी, एक ट्राइबल रहती थी, इसका नाम क्या था, इस ट्राइबल का नाम बताओ, पहले ब्रिटेन में कौन से लोग रहते थे, मेन जो ब्रिटेन के थे वो कौन से थे, कौन से थे बताओ, कोई तो बताओ। सेल्टिक सुना, सेल्ट्स, सेल्ट्स सुना है ना, जी जी, या फिर ब्रिटोन्स, दो नाम बोल सकते हो, ब्रिटोन्स ये लोग रहते थे है ना। तो क्या हुआ कि इन पे एक पर्टिकुलर रोमन्स ने कब्जा कर रखा था पहले से, इन्वेडेड बाय रोमन्स। अब जैसे हम लोगों ने अंग्रेजों को स्वीकार लिया था, आपको हिस्ट्री अगर देखा हो आपने तो अंग्रेजों को कई लोगों ने स्वीकार लिया था कि चलो अब तो हम इनके ही अधीन में रहेंगे, ऐसे ही ये सेल्ट्स वाले लोगों ने स्वीकार लिया था कि हम तो रोमन्स के ही अधीन हैं। अब चूंकि ये जो रोमन्स थे ये ओरिजिनली कहाँ के थे, रोमन्स इटली के, रोम
रोम की, रोम इटली की राजधानी है ना, इटली की राजधानी है रोम। हाँ, तो ओरिजिनली फ्रॉम इटली, इटली के थे ये लोग। तो कब्जा किए हुए थे आराम से, और इन्होंने स्वीकार भी लिया था सेल्टिक पीपल ने, और ये 43 एडी में आए थे, 43 एडी में। तो ये इन्होंने स्वीकार लिया था सेल्ट्स वालों ने कि मतलब हम इन्हीं की कब्जे में रहेंगे और यही हमारे जो भी हैं वो यही है। 500 सालों तक इन्होंने कब्जा किए रखा, 500 सालों तक। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये जो रोमन्स थे ये अपने देश में चले गए वापस इटली में। क्यों चले गए? क्योंकि उनका देश ही खतरे में पड़ रहा था। तो रोमन्स ने लेफ्ट किया, जैसे रोमन्स लेफ्ट हुए और रिटर्न हुए कहां पर, इटली। तो भैया पहले तो आपको ध्यान हो गई कि जहां खाली मिला वहीं अटैक है ना, राजा लोग तो यही करते थे, जहां खाली मिला वहीं अटैक। तो यहां पे कई लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अब सेल्ट वगैरह तो पहले से उन्होंने कहा अच्छे खासे रोमन्स चल रहे थे, उनको हमने स्वीकार भी लिया था, अब ये लोग जो आ रहे हैं ये तो बड़े खतरनाक हैं, कहीं कोई जाति हमला कर देती है, कहीं कोई ग्रुप हमला कर देता है, कहीं कुछ कर देता है, बड़ी समस्या है। तो फिर इनके एक दो लोगों ने कांटेक्ट किया, तो तीन ट्राइबल्स थी, सेक्शन और एंजल्स और कौन सी थी बताओ, यू। इन्होंने इन्वेड किया, इन्वेडेड ब्रिटेन को इन्होंने इन्वेड किया। माइक अपना अपना बंद रखें प्लीज। सैक्सन, एंजल्स और जूट ने इन्वेड किया ब्रिटेन को, राइट। इन्वेड का मतलब आपको पता ही हुआ, आक्रमण किया, उस पर कब्जा कर लिया है ना। तो इनमें से सबसे पहले आने वाला ये जूट था, जूट ये। हालांकि किंग अर्थर के द्वारा, एक किंग अर्थर नाम सुना होगा आपने, ये किंग अर्थर कौन था, किंग अर्थर इन्हीं का था, सेल्ट्स का है ना, ये सेल्ट था। इसने थोड़ा विरोध भी किया, बहुत सारे देखो कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं है, जैसे इंडिया में कोई हमला करने आए तो इंडिया में एक राज्य तो है नहीं है, कई राज्य थे, तो उनमें से कुछ राज्य जो है वो विरोध करेंगे, नहीं हम वापस कर देंगे आपको, हम आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे है ना। तो किंग अर्थर ने वो किया, एक मिनट, एक सर और जुड़ रहे हैं, यशपाल जी हैं, आपने देखी होगी उनकी वीडियो है ना, देखी थी आप लोगों ने, जी सर। उनको भी थोड़ा, उनको मैसेज कर रहा है मेरे को, उनको भी क्लास में ले आए जरा तो और अच्छा लगेगा, जी 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 सर। उनसे भी बोलते हैं कि आ जाइए क्लास में, उनका तो लुक भी फ्रेंच है सर, उनका तो लुक भी फ्रेंच है, अपन लोग तो सादा हैं, अपन लोग सादा हैं, वो तो वो फ्रेंच अच्छे से समझ में आएगा फिर, फ्रेंच अच्छे से समझ में आएगा फिर। चलो उनको मैंने मैसेज कर दिया है, वो आएंगे क्लास में है ना। सुनील जी ने अच्छा अच्छी बात की है, एक्चुअली हम लोग ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और हम लोग स्पोकन इंग्लिश के टीचर हैं, मतलब इंग्लिश इंस्टीट्यूट चलाते हैं यहाँ पर जी। तो काफ़ी आप लोगों के साथ से और ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है इंस्टीट्यूट। अब हमारा मन हुआ कि थोड़ा अपने आप को और ब्रॉड किया जाए, तो लिटरेचर में हम लोग जाना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग लिटरेचर फील्ड में टीचिंग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं है ना, देखते हैं क्या होता है। सर इससे पहले मैं यही बोलना चाह रहा था, एक्चुअली आपने बात बोल दी है तो मैं बोल ही देता हूँ, फिर वो बात चले जाएगी।
इससे पहले जब मैं मतलब कि मैं बताया ना एमपी टेट के लिए 2018 में मेरे फ्रेंड कुछ हैं, मतलब कि कुछ पहचान वाले भी हैं, वो लोग अभी टीचर बने हुए हैं और बढ़िया अच्छे से अपना सब कुछ अच्छा चल रहा है उनका। तो सर अगर परसेंटेज बेस से अगर बात करें, उस समय क्या 150 नंबर का पेपर होता था, एक ही पेपर होता था, इस बार प्रियो में दोनों हुए थे एमपी टेट में, तो उनने मतलब 150 में से 75 नंबर, मतलब ओबीसी कैटेगरी से बात बता रहा हूँ मैं, 75 नंबर, 80 नंबर, मतलब किसी के 74.60 थे तो उसको भी उनने पूरा एग्रीगेट लेके 75 बना के सर उनको पोस्ट दे दी। आज वो बढ़िया अपनी सुकून से नौकरी कर रहे हैं। हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था सर गवर्नमेंट का जो हमको भी वेटिंग में है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, पिछले हमने ये सुन के तैयारी करी कि बहुत से लोगों ने बोला यार तुम एमपी टेट की तैयारी क्यों नहीं करते हो, कॉम्पिटिशन बढ़ाते हो, एमपी टेट की तैयारी करो, वहाँ पे पोस्ट खाली रह गई। पिछली बार 500 पोस्ट खाली चली गई, कोई बच्चा ही नहीं मिला वहाँ पे, कैंडिडेट ही नहीं मिला। इस बार हम गए तो देख लो बैकलॉग कितनी पोस्टें हैं कि अभी पैर जमाना भी कम पड़ रहा है, मतलब कि जो 3,000 कुछ पोस्टें हैं टोटल, तो उसके लिए भी सर कैंडिडेट जो है ना पूरे मतलब लाइन लगा के बैठे हुए हैं वेटिंग में इतने सारे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही शायद ऐसा नहीं हो हमारे साथ में कि जहाँ पे हम जाए वहीं पे लाइन लगना शुरू हो जाए। आपने अभी बोला ना खाली गई थी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो मैंने कहा हमारी किस्मत ऐसी तो नहीं है जहाँ पे हम जाते हैं वहीं पे लाइन लगना शुरू हो जाए। नहीं, इस बार नहीं जाएगी खाली सर, वो तो पिछली बार चली गई थी, वो एसटी की गई थी और सिर्फ। आप तो अपने आप को इतना बनाइए ना कि अपन उस खाली वाले उसमें पोर्शन में ही ना रहे। बस सर आपका पूरा सर आशीर्वाद चाहिए सर, इतना मजबूत बनना है इस बार के बैटिंग का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। नहीं देखो मैं कृपया करके अपन लोग देखो आपस में एक दूसरे सीखेंगे, मैं अभी इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकूँ, लेकिन हाँ प्रयास पूरा करूँगा और आप लोगों से भी सीखना है मुझे बहुत कुछ। आप लोग भी काफ़ी आगे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग अपने अपनी फील्ड में, है ना। चलिए जी सर, थैंक यू सर। सब देखो सब लोग आप लोग अगर इस फील्ड में हो तो नॉलेजेबल तो हो, पक्का है ये। बस यही है कि एक्चुअली हम लोग क्या है, देखो मेरे को 15 साल हो गई है टीचिंग करते, तो वो हम लोगों में क्या है थोड़ा टीचिंग के गुण ज़्यादा हैं आपसे, वह इतना मान लो, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती रहती हैं। बस बाकी नॉलेज में तो आप लोग हमसे आगे ही हो गए, है ना। चलिए ओके, देखें तो ये समझ में आ गया कि नहीं। सेक्सन, एंजल्स और जूट इन्वेट किया ब्रिटेन को, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि ये जूट है ना, इसने एक किंगडम पर राज किया था, है ना, उसका नाम था आपका कैंट, सुना होगा आपने। तो इन तीनों ने 7 किंगडम बनाए, एक तो कैंट बनाया। Am I audible to all of you, ना? जी सर। ओके, ये जो कैंट है ना, इसमें ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, अभी मैंने बताया आपको, बताइए। जूट के द्वारा, है ना। अच्छा, इस किंगडम में एक राजा थे एथलवर्ट, उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ लाइन, इसको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बना है। इसके एक राजा थे एथलवर्ड नाम के, एथलवर्ड टी आएगा यहां पर, एथलवर्ड जी जो थे किंग, लिख देता हूं इससे आपको याद रहेगा, किंग एथलवर्ड जो थे फर्स्ट किंग टू एडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, इन्होंने पहले राजा थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी, है ना, पहले राजा थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी। और ये क्रिश्चियनिटी दिलाई किसने थी, बताओ कौन से राजा थे, कौन से संत थे, बताओ कौन से संत थे। अगस्टीन। हाँ, वेरी गुड, सेंट अगस्टीन, है ना सर।
सर मिलते मिलते जुलते नाम है, अगस्त मुनि भी तो है अपने यहाँ पे सर, अगस्त मुनि तो नहीं थे वहाँ पे चेंज करके पहुँच गए हम। नहीं 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 वो नहीं थे, वो नहीं थे, दूसरे थे है ना। ये चीज आप लोग ये अगस्तीन के नाम पे ही अगस्त महीने का नाम है ना सर, और जूलियट के नाम पे जुलाई का, ऐसा तो पता नहीं मुझे, ऐसा मैंने सुन रखा, ऐसा सुना है मैंने एक रील देखी थी। वैसे तो ये तो मेरे को एक फिक्शन सा लग रहा है कि वो वहां रहे थे यहाँ रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं नहीं अगस्तीन ये अपने वाले नहीं, ये वाले जो है ना अगस्तीन, इनके नाम पे ही उनके अगस्त उनके नाम पे अपना ऐसा होता है, वो जुलाई का नाम वो जूलियस के नाम पे, ये हो सकता है। और वो दोनों मतलब खुद के नाम पे थे तो उनको दोनों 31 का बनाना चाहते थे दोनों, मतलब मेरे नाम का महीना है तो बड़ा होगा इसलिए जुलाई और अगस्त कंटिन्यू दोनों 31 दिनों के। इसके बारे में रिसर्च करूंगा मैं, आपने अच्छी बात बताई है। देखो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि आप हमें सिखाओगे हम आपको सिखाएंगे, ये बात अब मैं आपने बता दी, अब मैं इस पे थोड़ा इस पे विचार करेंगे अपन लोग, सर्च करेंगे है ना। नहीं वैसे तो कुछ काम का है नहीं है तो, पर ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। नहीं तो काम ऐसा तो अपन लोग सोचो ही नहीं कि किसी काम किसी चीज को तो हो सकता है, है ना। किसी भी आप विश्वास करें, एक दो बार ऐसी चीजें देखी मैंने कि वैसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं वही क्वेश्चन बन जाता है। अभी जून में नेट हुआ था राइट, तो जून में नेट हुआ था तो उसमें कौन से क्वेश्चन आया था, चेतन भगत की बुक के बारे में आया था। हाँ, मैंने करा था सही बोल। हाँ अब बताइए चेतन भगत की बुक के बारे में, 5 पॉइंट संबंध का, फाइव पॉइंट संबंध वाला क्वेश्चन आया था वाला क्वेश्चन। नहीं 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 वो नहीं आया था, वो नहीं आया था, तो वो काई पोछे वाला आया था, काई पोछे किस पे बनी हुई है ना, काई पोछे थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ है। हाँ तो वो जो है वो क्वेश्चन आया था राइट, और एक क्वेश्चन वो आया था शायद ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की कौन वो है ना, ऐसा कुछ आया था क्या। हाँ शायद ऐसे आया था, मतलब बहुत ऐसा क्वेश्चन आया था जिसको अपन लोग सोच नहीं सकते हैं कि अच्छा ये भी आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है, किसी चीज पे डिस्कशन करो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, है ना। चलिए ओके अच्छा एक अब ये यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना जो मैं अपन डिस्कस कर रहे हैं ये। हाँ सर हाँ ये पूरा सर ये ऊपर क्लियर नहीं हुआ ना तो थोड़ा सा ये जो आपने लिखा है ना कौन सा बताओ नीचे नीचे थोड़ा नीचे लो जी। ये जो सेक्शन एंजल और ये जूट है ना इनवाइटेड बाय ब्रिटेन किंग आर्थर। नहीं 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 सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन्होंने क्या है रोकने की कोशिश की थी इन राजाओं को लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। ये जो किंग आर्थर है वो सैल्ट्स के राजा हैं, किंग आर्थर ये तीन लोग इन्होंने अटैक किया, ये अलग अलग जातियां हैं सैक्सन एंजल्स और जूट जी। तो इन्होंने क्या किया एरिया वाइज कब्जा कर लिया, जैसे इंडिया में आके कोई मध्य प्रदेश में कब्जा कर ले कोई उत्तर प्रदेश में कब्जा कर ले एरिया वाइज है ना जी। तो इन्होंने क्या किया एरिया वाइज कब्जा किया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि किसने क्या किया, तो इन तीनों ने 7 किंगडम बसाए थे 7 किंगडम। जैसे कैंट किंगडम जो है वो किसने एस्टेब्लिश किया जूट ने, ऐसे ही कुछ और किंगडम है जैसे कि मर्सिया ये भी है मर्सिया अपन अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक ससेक्स है सर सेंट अगस्टाइन जो थे सर ये बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे। हाँ जी सेंट अगस्टाइन थे ना सर जो ये सर कहां से थे मतलब क्रिश्चियनिटी जैसे ये लेकर आए इनने मतलब पहला ये क्रिश्चियनिटी को यहां पे अडॉप्ट किया मतलब इन्हें करवाया के द्वारा तो सर ये कहाँ से थे मतलब ये कहाँ थे इससे पहले। ये कैंटरबरी के थे, कैंटरबरी के नाम सुना है इंग्लिश इंग्लैंड। हाँ कैंटरबरी कैंटरबरी टेल्स। हाँ कैंटरबरी एक जगह है तो कैंटरबरी के थे ये सेंट अगस्तन। तो इन्होंने क्या है इंग्लिश चर्च को आगे बढ़ाया था तो इनने क्या किया आप सोचिए आप कि एक जूट का राजा मतलब जूट का राजा एथलबर्ट जो इंग्लैंड का है ही नहीं है
उसको संत अगस्त ने प्रभावित करके अपना धर्म अपनवा लिया, क्रिश्चियन बना दिया उसको, जबकि वो वहां पर कब्जा करके बैठा था। अब वो कब्जा करके बैठा था, जैसे मान लो कोई राजा यहाँ पे विदेशी आता है और वो कब्जा कर लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ के संत उसे हिंदू बना दें, बड़ी बात रहेगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। हाँ, तो बस यही यही है। सेंट अगस्तियन ने, सेंट जो अगस्तियन थे, उन्होंने ये कैंट के राजा को, एथलबर्ट को, क्रिश्चियन बना दिया था, जो फर्स्ट क्रिश्चियनिटी अपनाने वाला वो है। ये क्वेश्चन बनता है, और ये कब अपनाए थे वो भी मैं लिख देता हूँ, इन 597 AD। इसमें ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी बनाए एक दो बार ये वाली बात है ना, और इन सब ने मिलके आपके 7 किंगडम बनाए थे, जिसमें कैंट, मर्सिया, ससेक्स, बेसेस, एसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, ईस्ट एंग्लिया और नॉर्थम्ब्रिया, नॉर्थम्ब्रिया, नॉर्थम्ब्रिया शायद भी आएगा क्या, ऐसे कुछ करके नॉर्थम्ब्रिया वगैरह। सर 7 वाले को सर 6 के साइड में लिख दो सर, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। क्या सर मैं गलत जगह हूँ अभी आज, मैं मतलब अपने घर पे नहीं हूँ, मतलब जहाँ पे रहता हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा सर इसको। सर आप ये जो टाइप कर रहे हो ना, इसका इसको PDF में सेव करके हमको सेंड कर देना, या तो फिर वर्ड में सेव कर, मैं शेयर कर दूंगा अभी आप ग्रुप में शेयर कर देना, सर शेयर कर देंगे, ले लीजिए। ओके सर, तो फिर जी जी ठीक है, प्रिंटर हो तो सीधे प्रिंट निकाल लेना घर पे, तो हो गया काम। बिल्कुल, अच्छा ये बात क्लियर हो गई कि नहीं बताइए। हाँ सर, ये 7 तो थे, ठीक है। एक मिनट रुको ना, अब इनमें से देखो ये कैंट है, जूट ने संभाला है ना, और 3 संभाले थे, मतलब 3 बसाए थे सेक्शन ने, और 3 बसाए थे इंगल्स ने। तो ये जो ये है ना, ये सेक्स सेक्स करके, ये बेसेक्स, ससेक्स और एसेक्स, ये सेक्शन ने बसाए, ये सेक्शन हाँ, मतलब उसमें भी सेक्स करके आ रहा है, इसमें भी सेक्स करके आ रहा है, तो ये सब सेक्शन ने बसाए थे है ना, ससेक्स, बेसेक्स और एसेक्स, और मर्सिया और ईस्ट एंग्लिया और नॉर्थम्ब्रिया, ये बसाए थे इन्होंने, एंजल्स ने, ठीक है सर। वो ईसेक्स डब्ल्यू, वो ससेक्स, और वो मेरे को लगता है कि ये जैसे ससेक्स है ये साउथ में होगा, वेसेक्स है ये वेस्ट में होगा, और ईसेक्स है ये ईस्ट में होगा, इसलिए ऐसे नाम है। हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला है, ऐसा ही होगा कि ईस्ट में होगा तो एसेक्स, वेस्ट में होगा तो बेसेक्स, और साउथ में होगा तो ससेक्स, राइट। तो इसको और ये इसमें तो ईस्ट लगा ही है, ईस्ट एंग्लिया और ये नॉर्थम्ब्रिया, तो नॉर्थ में बस मर्सिया और वो केंट नाम अलग है थोड़ा। हाँ अब देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, कि ये जूट जो है वो ज्यादा दमदार नहीं रह पाए, क्योंकि एक ही राज पे कब्जा किया ना जूट ने, तो ज्यादा दमदार नहीं हो पाए। तो आप देख रहे होंगे कि जो पीरियड का नाम पड़ा वो किस टाइम पे पड़ा, एंग्लो सेक्शन पीरियड पड़ा ना, जी जी सेक्शन, क्यों, क्योंकि सेक्शन में ज्यादा एरिया भी था ना सर, ज्यादा एरिया था, इसीलिए जूट को तो हटा ही दिया, मतलब उस पीरियड का नाम ही हटा दिया, क्योंकि वो छोटे और फिर धीमे धीमे कमजोर पड़ते गए, फिर वो हट भी गए थे, वापस चले गए थे है ना। फिर क्या किया सर, इसीलिए क्रिश्चियन भी बनवा दिया उसको, कमजोर था इसलिए। नहीं, ये कारण नहीं था। फिर ये तीनों मिल गए, मतलब देखो ऐसा तो है नहीं है कि पूरी तरह से भाग जाए, फिर वो सब मिल गए और इन्होंने एंग्लो सेक्शन ने, मतलब एंग्लो और सेक्शन का ज्यादा राज रहा, तो एंग्लो सेक्शन ने क्या किया, एंग्लो सेक्शन इन्होंने 3 एस्टेब्लिश किए, एस्टेब्लिश्ड 7 को मिला के, ध्यान रखना 7 को मिला के इन्होंने फिर 3 किए, नॉर्थम्ब्रिया नाम रख दिया एक, नॉर्थम्ब्रिया और आपका एम लगाना भूल गया मैं, एक इन्होंने नाम रख दिया आपका मर्सिया,
और एक नाम रख दिया इन्होंने बेसेक्स, बस तीन किंगडम बना दिए, तीन बना दिए उन्होंने, है ना। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जी सर। अब कभी आपने बाइकिंग नाम सुना है क्या? बाइकिंग? हाँ सर सुना है सर, ये कोई ट्राइब है सर ये भी। हाँ जी सर, ये कोई ट्राइब है सर, बाइकिंग बाइकिंग। हाँ, ट्राइब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। अब देखो क्या हुआ कि ये तीन को जब सफलता मिली तो सब लोगों को खाली प्लॉट पे कब्जा करने की, जो जो दादा भाई होते हैं वो सोचते हैं खाली प्लॉट है, चलो हम भी कब्जा कर लें, हम भी कब्जा कर लें। सही बात है कि नहीं? तो वहां पर एक वो थे बाइकिंग्स, तो बाइकिंग्स जो थे वो जंगलों में रहते थे, आताताई टाइप के थे। आता टाइप मतलब उनको कुछ नहीं, बस हंगामा करना है, उधम करना है और घर उजाड़ने हैं, बहुत ही क्रूर टाइप के थे, है ना। तो इनने सोचा चलो हम जाके कब्जा कर लें, जब ये तीनों ने कर लिया तो हम भी कर लें, है ना। तो बाइकिंग्स ने भी हमला किया डेनलो पे, डेनलो एक जगह थी वहां पे हमला किया, लेकिन इनको हरा दिया गया, क्योंकि उस समय ये तीन जो वो थे वो मिल गए थे। तो उस समय एक राजा थे ऑल्सो इन्वेडेड बट Defeated by King Alfred। ये बड़ा फेमस रहा King Alfred, ये एंग्लो-सैक्सन का किंग था बाद में। अब ये एक बार कब्जा करने के बाद फिर वो बने रहे ना वहां पे, 1066 तक रहे, तो एक राजा तो रहेगा नहीं, फिर नए नए राजा आते रहेंगे, है ना। तो सर ये तीनों का एक ही राजा बन गया था फिर, ये एंग्लो तीनों का एक राजा नहीं, ये तीन राज थे, नॉर्थम्बिया मर्सिया और वेसेक्स। हाँ, तो तीन राज में एक राजा था, उसका नाम था किंग अल्फ्रेड, उसको द ग्रेट भी बोला जाता, द ग्रेट किंग, है ना। और उस तो तीनों का मिला के एक राजा था 1878 में, इन 878। हाँ बताइए, आप बताइए, पूछिए। ये तीनों का मिला के एक ही राजा था क्या? नहीं नहीं, नॉर्थम्बिया मर्सिया नहीं नहीं, देखो आप लोग समझे नहीं। जैसे इंडिया है, ठीक है, इसमें आपके इस समय 28 स्टेट हैं, है ना जी। तो इसमें से एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर मोहन यादव है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर स्टेट, ये मेरे को ध्यान नहीं है कौन से स्टेट का, लेकिन तीन में से एक का राजा था किंग अल्फ्रेड, ठीक है। उसने बाइकिंग को हराया था 878 में, जिन्होंने ट्राई किया था उसका कि चलो इनको हरा दे, मतलब हम भी कब्जा कर लें। और कई जगह इन्होंने मतलब कोशिश भी की कब्जा करने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय तक ये एंग्लो सैक्सन वगैरह ज्यादा स्ट्रोंग थे, राइट। फिर उसके बाद धीमे धीमे ये देखो, हर आपको पता ही है, हर कोई धीमे धीमे कमजोर पड़ता है। मुगल कितने स्ट्रॉन्ग रहे, उसके बाद कमजोर पड़े थे ना, ऐसे ही हर कोई कमजोर पड़ता ही पड़ता है, राइट। तो उसके बाद ये कमजोर पड़े थे, फिर वो नॉर्मन लोग आएंगे, फिर वो कहानी शुरू होगी। आज अपन यहीं तक करते हैं, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, मैं बात कर लूं। चलो कट गया। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं जी? चलो ओके, अब आप लोगों की डिमांड